एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ दिवाली वाले व्लॉग से। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं डाल चुकी हूँ इससे पहले, एंड ये है सेकंड पार्ट। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया है। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ और बाकी सब रेडी हो रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ मैं अपने कमरे में आई हूँ और मैंने पहन ली ये वाली साड़ी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये है नेवी ब्लू कलर की साड़ी जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट साड़ी है। एंड ये इसके साथ की मैंने चूड़ी का पूरा सेट ऐसे लगा लिया। तो मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा चूड़ी का सेट नहीं लगाया, थोड़ी सी चूड़ी ली और बीच में एक मोटा सा कड़ा लगा लिया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा सा लुक दे रहा है। क्योंकि मैंने बहुत ही लाइट हर चीज़ रखा है, खाली साड़ी ये थोड़ी सी हैवी है, बाकी सब चीज़ मैंने लाइट ही रखा। मैंने मेकअप बहुत ही कम किया है। तो यहाँ मैं कुछ इस तरह से रेडी हो रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी साड़ी एंड ये मेरा लुक कैसा लगा। तो ये देखिए अभी मैं पहन रही हूँ चूड़ी। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, आज के दिवाली वाले ब्लॉग में मैं जो भी शूट कर पाऊँगी वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं पहन रही हूँ चूड़ी जो कि ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रही है। और अभी मैं दोनों हाथों में चूड़ी पहन के और फिर जितना मेकअप करना होगा वो सारी चीज़ें करके और मैं जाऊंगी नीचे और सब लोग मिलके पूजा करेंगे घर में। क्योंकि आपने सुबह वाला सारा व्लॉग तो देख ही लिया होगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट में डाला था कि सुबह क्या सारी चीज़ें हुई। तो अभी हम लोग दीपक वगैरह घर में जला कर और अभी जस्ट रेडी हो रहे हैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम। दिन में जो भी किया वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही है। तो यहाँ मैं इस तरह से हो रही हूँ रेडी और अब हम लोग रेडी होकर सब लोग जाएंगे साथ में पूजा करेंगे, दिवाली सेलिब्रेट करेंगे जैसा कि सबके यहाँ होता है। और यहाँ ये भी आ गए हैं और ये भी मेरे साथ में हो रहे हैं रेडी। तो यहाँ ये भी साथ में रेडी हो रहे हैं। तो अभी हम लोग सब लोग साथ में जाएंगे पूजा करने। तो ये देखिए अभी हम दोनों साथ में बात भी कर रहे थे और तैयार भी हो रहे थे। तो और दिवाली में बहुत ज़्यादा मज़ा आई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आपकी दिवाली कैसी गई, आपने क्या किया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह से दिवाली को सेलिब्रेट किया। सो ये देखिए यहाँ हम दोनों रेडी हो चुके हैं और हमने आपको साथ में विश भी किया दिवाली। और यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ मैं आलता लगवा रही हूँ पैर में क्योंकि अभी हम सबको पूजा में बैठना है। मम्मी का आलता लग चुका है, मैं बची थी और मैं लेट में आई थी इसलिए मैं मम्मी का शूट भी नहीं कर पाई हूँ। तो ये देखिए ये लग चुका है मेरे पैर में आलता।
अब इसके बाद हम सब साथ में पूजा में बैठेंगे और जो भी जैसा होगा जितना मैं शूट कर पाऊँगी मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर कर दूँ। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि घर में ऐसा कोई भी नहीं था जिसको मैं अपना फ़ोन पकड़ा सकूँ कि कोई मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दे, तो इसलिए बहुत ही अजीब सी वीडियो बन गई है। खाली हम ही दोनों की पूरी वीडियो में आई है और किसी का कुछ आ ही नहीं रहा था, कोई वीडियो में आया ही नहीं क्योंकि कोई था ही नहीं जिसको मैं अपना फ़ोन पकड़ा सकूँ और अच्छे से मेरी वीडियो बना दे, सबकी पूजा की वीडियो बना दे, भगवान की वीडियो बना दे। तो मैंने एक जगह फ़ोन ऐसे टिका दिया था, जो भी जैसे रिकॉर्ड हो पाया वो मैं आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थान गुआ स्वरे पुंडरी काक्षम सब अभिंतरा शुचि ही केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्त पुच्छल हाथ धुलो, भाभी हाथ पकड़े रहे बस। आधार शक्ति है नमः, स्नान करो दी। आधार शक्ति है नमः, स्नान करो दी। फूल रखिए, फूल दीजिए। ओम माता पितुरिणियम मरुभ देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आधारामि दीप दिखाइए ते नमः। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि, प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि, प्रत्यक्ष दीपम। जमीन पे जल गिरा दो। ओम आधार शक्ति नमः। नैवेद्यम नैवेद्यामि नैवेद्यो परान्ते शुद्ध जलम् अर्पणीयम् समर्पयामि। चलिए हाथ में जल लीजिए, देवताओं का आह्वान। यामि पूजयामि जम गणपतये नमः। फिर से पुष्प लीजिए हाथ में, गौरी देवी का ध्यान करिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुत्यं। गौरी देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च गौरी देवेभ्यो नमः। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंदे स्थितां भीषणां कन्या भी करवाल खेट विल सद्दिस्तारभिराशेवितम् हस्तैश्चक्रम गदायसि खेट विशेखा शापम गुणम तर्जनीम विभ्राणाम मल्लात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। आगच्छ वरद देवी दत्त दर्प निषूदनी पूजाम गृहाण सुमुखे नमस्ते। शंख प्रिय अनेक रत्न संयुक्तम नाना मणिगणान्वितम कार्तुश्वरमयम दिव्यमाशनम प्रतिगृहताम श्री जगदम्बाय दुर्गा देवेभ्यो नमः। पुष्प लीजिए, नारायण का ध्यान करिए। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवो सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दां कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं राधिकां परमां श्रेष्ठां महलादिनी शक्तिरूपिणी श्री राधा कृष्ण चरण कमल भैरव ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। लीजिए पुष्प
भगवान राम का ध्यान करिए। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अग्नि अलगंजनम। भगवान राम के साथ संपूर्ण माँ सीता को लखन लक्ष्मण जी को सबको प्रणाम करिए। प्रणव प्रथम भरत के चरना जासुने व्रत जाई न बरना राम चरण पंकज मन जासु लुभुत मधुबीव तजैन पासु बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभ सदा सुसानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुना रिपसूदन पद कमल नमामि सुर सुशील भर वीर बिनवाउ हनुमाना राम नाम जसु आप बखाना अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। अब सबको पूजन करिए। सबसे पहले धूप दिखाइए, गणेश जी को दिखाइए, लक्ष्मी जी को दिखाइए, जितने लोग देवी देवता हैं सबको दिखाइए। समस्त आवाहित स्थापित सुपूजित देव देवेभ्यो नमः धूपम दर्शयामि। समस्त आवाहित स्थापित सुपूजित देव देवेभ्यो नमः। प्रत्येक प्रधान लक्ष्मी जी का ध्यान करिए। प्रधान आज प्रधान देवी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का ध्यान करो, आवाहन करिए लक्ष्मी जी का। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह ताम मावह जात वेदो लक्ष्मीम मनपगामनीम यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वम पुरुषानहम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओं महालक्ष्मी देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। सबको दीपक दिखाइए, माँ लक्ष्मी को भी दूध दिखाइए, दीपक दिखाइए। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं आरती और साथ में सब लोग पूरा घर सब लोग बैठे थे पूजा में, मगर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई था नहीं, तो किसी का आ ही नहीं पाया, कोई वीडियो में आ ही नहीं पाया, इसके लिए सो सॉरी। समस्त आवाहित स्थापित सुपूजित देव देवे देव नमः नैवेद्यम निवेदयामि। हाथ में जल लीजिए, फूल लीजिए। लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय मामा चढ़ा दे। पांच बार गायत्री मंत्र का जप करें मन में। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूछ की सवारी अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव। तो यहाँ अब हम लोग की पूजा हो चुकी है, पूरी पूरी पूजा हो चुकी है और अब हम लोग जाएंगे छत पे, थोड़ा सा दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, पटाखे वगैरह छुड़ाएंगे, जो भी जिसको करना होगा थोड़ा सा मज़े करेंगे छत पे जाके, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे से सब लोग पटाखे वगैरह छुड़ाएंगे। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको भगवान जी जिनकी की भी पूजा हो रही थी, लक्ष्मी माता गणेश भगवान जो कि आज के मेन भगवान होते हैं जिनकी की पूजा होती है। तो ये रहे हम लोगों के भगवान जी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो ये था आज का मेरा दिवाली व्लॉग, कुछ इस तरह से हमने सेलिब्रेट की दिवाली। और आपकी दिवाली कैसी रही प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपको हम लोगों का सेलिब्रेशन और ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा दिवाली व्लॉग कैसा लगा। और
और आप लोगों की दिवाली कैसी गई, आपने किस तरह से सेलिब्रेट की, ये सारी चीज़ें प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए हम लोग छत पे आ गए हैं, सब लोग मिलके इस तरह से पटाखे वगैरह छुड़ा रहे थे, जब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी, पूरे मोहल्ले में ऐसे सब मिलके ऐसे पटाखे छुड़ा रहे थे और हम लोग देख भी रहे थे, सबको बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, हमारा दिवाली व्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर मेरे चैनल पर कोई नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, यहाँ मैं अपनी कुछ पिक्स भी डाल दे रही हूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा देख लें कि मेरा लुक कैसा था।